ओम शांति हेलो नमस्ते सतरीकाल और सलाम ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस के एक नई कड़ी में हम आपका स्वागत करते हैं आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही जानी मानी पर्सनालिटी, खेल जगत की वेल नोन और मच रिस्पेक्टेड द्रोणाचार्य अवार्डी रमेश नागपुरी जी तो आइए स्वागत करते हैं रमेश सर का शांति सरोवर में ओम शांति सर ओम शांति वेलकम टू शांति सरोवर तो आज हम रमेश सर से सुनेंगे उनकी जर्नी जो कि हमें इंस्पायर कर सकती है एंड जो हमें एक लर्निंग दे सकती है कि कैसे हम अपनी बिगनिंग्स चाहे कितनी भी हम्बल हो अपने करियर में हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं तो सर इज़ द नेशनल कोच ऑफ इंडियन एथलेटिक्स टीम ही इज़ अ सीनियर फैकल्टी ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैविंग हैड अ हम्बल बिगनिंग फ्राम वारंगल ही हैज़ डन हिज स्टडीज़ फ्राम काकतिया यूनिवर्सिटी एंड लेटर ऑन फर्दर स्टडीज़ फ्राम एन आई एस बैगलोर एंड पटियाला He has been instrumental in raising indian medal tally at the international podiums he is a visionary who aims to bring glory to india contingent at the international podiums as a testament of this has been the recent performance of the Indian contingent at the Junior Asian Athletics Championship, where the athletes brought in 29 medals. That is, after 28 years, such a big haul of medals was brought in by the Indian athletes. And it is under his leadership guidance as the chief coach of the team that the team performed so well and it was top ranked second and the medal tally only next to China. Sir has been the coach of the Indian contingents at the different Olympic games starting from 2004 and every 4 years he has been there with the team guiding them and mentoring them he has been training the national teams of hockey cricket tennis and raised the bar of the performance of indian athletes in different forums he has been awarded with various awards and much prestigious is been the dronacharya award in 2016 he was also awarded by the erstwhile combined state of Andhra Pradesh and Telangana for being the best coach and has also been awarded by the Odisha government for his exemplary performance in raising the grassroots level of athletes to raise international podiums. He is known for his sincerity and commitment to the field of sports. He is not just a coach for his students, he is a mentor and a guide who not only makes them champions of the sport but also champions of life. He is such a great personality and I'm sure uh, when we hear from his experiences, it will bring a transformation in our life as well. So without further ado, let's hear from Ramesh sir. So sir, first tell us about your beginning. You have been a... Uh,

जी और वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते थे ओके okay. और मदर है उपल अम्मा वो hmm. तो हाउस वाइफ थे तो आई एम फ्रॉम वरंगल डिस्ट्रिक्ट तो मतलब साधारण ही लाइफ था मतलब ऑर्डिनरी चाइल्ड राइट तो सबके साथ मतलब यही उठना खेलना स्कूल hmm. जाना आना ऐसा कोई ऐसा कोई एम नहीं था लेकिन हमारे बाजुंग में भद्रकाली टैंक पहाड़ थे hmm. तो खूब खेलना ऐसा मतलब फिजिकली तो आउटडोर एक्टिविटीज hmm, में आप तो रहते थे, थे. Hmm. Uh, के बाद में इंटरमीडिएट में जब मैं पहुंचा तो hmm. प्रभाकर और सारंग पानी के हमारे स्ट्रीट में सीनियर एथलेट्स है okay. वो लोग ट्रेनिंग करते थे फिर उनके साथ ऐसा ही हम लोग मतलब इट्स नॉट लाइक बहुत शुरू से आप स्पोर्ट्स में नहीं है लेटर ऑन यू जॉइंट स्कूल में खेलते थे छोटा ऐसे ही लोकल गेम्स लेकिन इंटरमीडिएट में उनके साथ में फिर ग्राउंड जाना शुरू किया सीरियस एथलीट आपने ओके okay. तो फिर वहां से उनके साथ स्टेडियम में भी इंट्रोड्यूस हो गया था जे एन एस hmm. ग्राउंड था तो ऐसे ही साधारण फैमिली साधारण लोकालिटी भी लेकिन डेली वहाँ शाम को जाने से ना hmm. हम मतलब जो शाम में नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ घूमना फिरना वो कम हो Time गया था और नहीं। वो सब नहीं, okay. तो उसकी वजह से हमारे पिताजी की भी ये पता चला यार इज गुड समथिंग इज डूइंग समथिंग गुड तो ऐसा शुरू हो गया तो डिग्री तक हमने किया यूनिवर्सिटीज़ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ की जूनियर स्टेट में मेडल लिए जूनियर नेशनल्स भी किए लेकिन जब मैं फाइनल ईयर में पहुंचा तो जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था हिल्स में जी। तो मेरा फ्रैक्चर हुआ था एंकल में ओके सो आई वाज ऑन बेड फॉर मंथ्स तो उसके बाद में देर वॉज ए एडवर्टाइजमेंट काराकुड़ी यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन दो ईयर का कोर्स पहली बार शुरू कर रहे थे ओके तो फिर मैंने अप्लाई किया हाँ. तो वहाँ सीट आया तो लकीली वो कारीकुड़ी के बाजू में रहता है सो माय वर्किंग रामा कृष्णा तो एक फिर उनको फोन किया तो बोले अच्छा यूनिवर्सिटी आप आ जाए so so okay, so कोचिंग का जो एक पहला पड़ाव है वहां से हो वहां हो गया. से हुआ. Okay. फिर वहाँ मैं मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करने के बाद में

From sports, that's how my coaching career started. आपने ये जो मैंशन किया जैसे वहाँ पर जाके आप एक टॉपर स्टूडेंट बन गए लाइक स्पोर्ट्स aspects, the physical aspect as well as the strategy जो नॉलेज से आती है पहले स्टडीज में जैसे आपका इतना ध्यान नहीं था लेकिन वो क्या ट्रिगर बना कि हाँ kind of got the importance of के हाँ इसको उतनी ही वैल्यू देनी है एक्टिविटी को भी as well as its knowledge। नॉलेज uh, मैंने uh, टेंथ इंटरमीडियट में था तो hmm. मेरे अच्छे फ्रेंड और गाइड आई कैन से hmm. उनका आर प्रदीप कुमार जी है hmm. वो तभी पीजी कर रहे थे काकत यूनिवर्सिटी में सो okay. so, मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा था hmm. तो हमेशा वो काकत यूनिवर्सिटी में आने के लिए बोलते थे फिर hmm. वहाँ जाता था hmm. उनके साथ मैं ट्रेनिंग करता था hmm. फिर उनके फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करते थे मेरे hmm. को ये डिग्री कर रहा है ताकि मैं डिग्री नहीं कर रहा था जब इंटर में ये था फेल था तो फिर उनके रिलेटिव्स में भी काफ़ी लोग मेडिसिन पढ़ चुके थे कोई पीजी तो मुझे बिकॉज दैट वाज द एज राइट मेरे ऐसा लगा यार पढ़ने में इतना रेस्पेक्ट मिलता है इतना मज़ा फिर वहाँ से मैंने पिकअप किया फिर डिग्री में फर्स्ट क्लास मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में हाँ सॉरी डिग्री में सेकेंड क्लास पास हुआ मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में फर्स्ट क्लास इम्प्रूव करते गए अपनी डिप्लोमा इन कोचिंग में टॉपर बना वंडरफुल सो so, ये जो आपकी जैसे जर्नी रही है मतलब यू हैव सीन अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड इन योर लाइफ और एज अ प्रोफेशन यू आर नोन फॉर ब्रिंगिंग ग्रास रूट टैलेंट एंड रेजिंग देम नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एज दरियर बट आल्सो देअर लाइफ्स जैसे आपने दीप्ति जी दुति चंद मतलब बहुत ही हम्बल बिगनिंग से जो एथलीट्स आते हैं आप उनको एज अ मतलब उनके लाइफ मेंटर बन जाते हैं उनको प्रोफेशनली एंड पर्सनली बहुत तो ये आप में इधर गिविंग एंड शेयरिंग का जो नेचर है ये कब से डेवलप हुआ है एक तो वट एवर इट है मेरे फादर मलयो बाजुब प्लेस था जनगांव वहाँ काम करते थे तो सुबह में ट्रेन में जाके फिर शाम को ट्रेन में आते थे तो इट वाज रियली कोल्ड सीजन दिसंबर ऐसा कुछ था तो सुबह में वो स्वेटर डाल के गए फिर रात को साढ़े आठ नौ बजे आए थे hmm. तो उनको स्वेटर नहीं था तो ऑपर शर्ट था मेरे मम्मी पूछे <laughs> कहा <है आगा? laughs> स्वेटर किधर है वो बोला काजीपेट स्टेशन में एक बूढ़ा सा आदमी hmm. शिवरिंग कर रहा था वो मैंने अपना स्वेटर निकाल के okay. उनको दे दिया सो मे बी इज वन थिंग मतलब इज नॉट एजुकेटेड राइट राइट इज नॉट प्लान्ड करेक्ट मतलब जिसको जरूरत था जी वेर आई कैन अफर्ड सो दे सकते हैं एंड वन मोर ऐसा था कि मेरे मदर एक फैमिली था जी तो उनके फैमिली हेड वाज पोस्ट ऑफिस के मैनेजर थे जी सो बिग फैमिली सो दे इज टू हेल्प माय फैमिली इन टर्म्स ऑफ मनी आर एनी थिंग टू गेट दैट मनी फॉर माय मदर ओके तो फिर एक ऐसा सिचुएशन आ गया ही फेल उनको पैरालसिस हो गया था सो होल फैमिली एस कम टू द डिफिकल्टीज को हो गया था oh. फिर रिटर्न मेरे माम जो भी शाम को hmm. कुछ भी बसता hmm. मतलब खाना हो hmm. या पैसे हो वो बोलते थे उनको देखे आना सो आई वॉज अपने पास चाहे इतना नहीं भी है देना नहीं भी भी था। शेयर करना शेयर okay. उनके दे वर मोर नीड देन नास तो जब मैं वो उनको देने जाता था कई मंथ्स सो उनके फेस में मतलब वो

कॉलेज में अटेंडर थे right. तो बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेड सैलरी ही मेक दैट गर्ल्स टू सिस्टर्स हायर एजुकेशन ट्वेल्थ क्लास ही पढ़े तो उनको शादी हुआ तो कहाँ उन्हीं के लेवल के बंदे कोई जी, जी. गुमस्ता है ऐसे ऐसे लोगों से शादी हुआ ये लड़की हमारे पास ट्रेनिंग कर रही थी शी ए इंटरनेशनल एंड शी गॉट रेलवे जॉब बिकॉज ऑफ दैट जॉब शी इज बीन मैरिड टू ए Mm. तो जब उनके बच्चे हुए hmm. उनके बहन के बच्चे वही गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे थे इनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल तो right. अगर एक बच्चे का अगर एक बच्चे का अपने एक को सपोर्ट किया, लेकिन फैमिली तो तो right, फिर, right. फिर वो फिर वापस नहीं जाएंगे hmm. और उनका सिस्टर्स का फैमिली फिर वहीं घूमते रहेंगे ना hmm. गवर्नमेंट स्कूल फिर उनके बच्चे बट ये आई थिंक दैट मेड वी आर वी कैन चेंज वन जनरेशन मतलब आपको ये हो गया कि मैं किसी hmm. एक को सपोर्ट करता हूँ उसको नहीं कर रहा हूँ मेनी जनरेशन जब आप सपोर्ट hmm. करते हैं थोड़ा सा होमवर्क करके करो ना सेम hmm. एफर्ट तो लगाना है <laughs> थोड़ा अच्छा सा एफर्ट hmm. लगाने से अगर एक लड़की है hmm. family, hmm. और उसको हम चैंपियन बना रहे हैं वो चैंपियन ही बनेगी लेकिन यहाँ पर एक जनरेशन बदल रहा है बिल्कुल मतलब आप ए, एक तरह से सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में भी एक सहयोग दे रहे हैं हम जो काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सोच के थोड़ा हटके करने से फायदे कोई भी फील्ड में जी। तो हर आदमी हर अपने अपने फील्ड में ना थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोच के करने से ना

फ्रैक्चर हुआ अगर फ्रैक्चर नहीं होता तो अभी उधर ही भागते थे फ्रैक्चर हो गया तो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर लिया और जब मैं स्पोर्ट्स स्कूल में काम कर रहा था लक्कीम पेट में तो रिजल्ट अच्छा आ रहा था समहाउ वहाँ के डायरेक्टर और स्पोर्ट्स अथॉरिफी इंडिया का डायरेक्टर दे आर नॉट जलिंग वेल तो मेरे को सरेंडर कर दिया गया था बैंगलोर अच्छा। को ओ। तो वाज लिटरली आई वाज क्राइंग यार यहाँ अपना जगह है रिजल्ट भी अच्छा है मुझे जब बैंगलोर गया था बिकॉज बिफोर दैट आई वाज इन जूनियर इंडियन कैम्प वन ईयर तक मैं बाहर ही था घर से अच्छा। फिर आते फिर वहाँ जाना पड़ा तो वहां जाने के बाद वो डिप्यूटी डायरेक्टर नहीं थे वो बोले तीन दिन रुक जाओ इधर वो आएंगे तो मैं उधर रुक गया इतने में क्या हुआ इंडियन मेन हॉकी टीम देर लुकिंगेटलीस कोच फॉर मेन हॉकी टीम सो दट लेट टू ट्रेन बिग लिजेंड्स लाइक ए धनराज पिल्ले अर्जुन अवार्ड पद्मश्री डबल ओलम्पियन मुकेश कुमार अर्जुन अवार्ड पद्मश्री बलजी सिंह मतलब

फिर वहाँ से फिर सानिया मिर्जा जी है ऐसा मतलब डेस्टिनी मीन्स अगर स्पोर्ट्स स्कूल में ही रहता सो माय लाइफ माइट ऑफ बीन एंडेड ओनली अलवाल एंड हकीम पेट <laughs> तो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स जो hmm. भी होता अपने अच्छे के लिए होता है सो व्हेन डेस्टिनी गिव्स ए कॉल जस्ट बेस्ट फॉलो सो एक्सेप्ट करके उसका हाँ, बेस्ट यूज किया सो दैट so,

ओवर द ईयर आप भी बहुत एक्सपीरियंस बन गए हैं लेकिन यू स्टिल हैविंग एटीट्यूड मतलब आप सबसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ग्रहण कर रहे हैं तो ऐसा hmm. कुछ बताइए जैसे आपने डिफरेंट जो लेजेंड्स के साथ काम किया क्या क्या उनकी क्वालिटीज आपने एम्बाइब की हैं या yeah. जब मैं सिडनी ओलंपिक्स गया था तो 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 मुझे ये yeah, है फिर 100 करोड़ प्लस में वाई दिस 30 पीपल ओनली आर हियर फिर देन व्हेन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग ईच चैंपियन हैज गट यूनिक क्वालिटीज तो फिर आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग जो उनको Mompa, अलग करता हाँ, है, है उनको उस लेवल पे लाके हाँ, आता, है।, लाके आता है।, है फिर मुकेश मेरे रूममेट थे अच्छा। तो मैं तो रेस्ट कर रहा था मुकेश हाँ। जी बोले आप लाइफ लॉन्ग रेस्ट कर सकते लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलता आप जाके ग्राउंड में जाके खिलाड़ियों को देखो वो क्या क्या करते हैं यू जस्ट कीप ऑब्जर्विंग तो ऐसा मौका तो नहीं मिलता कि वर्ल्ड का बेस्ट चैंपियंस है <laughs> तो फिर वो पॉइंट रियली हेल्पड मी मैं hmm. फिर हॉकी का होते फिर जाके एथलेटिक्स ग्राउंड में बैठ के देखता था कौन क्या कर रहा है hmm. मुकेश जी बोले तो वहां से फिर ऑब्जर्व करना सीख के फिर देन वो जो लेजेंड्स को मैं ऑब्जर्व करता था कोई भी अच्छा पॉइंट लेके hmm. फिर मैं आई यूज टू इनकॉर्पोरेट इन माई लाइफ तो वैसा

मतलब क्या है आप जो भी काम करते हैं ना श्रद्धा भक्ति के साथ करेंगे ना वो काम आपको आगे करने के लिए बता देगा और कोई जरूरत नहीं है आपको एंड वेन आई वॉज इंडियन हॉकी टीम क्या में थे एक दिन डिनर के बाद में आठ बजे के बाद में मैं धनराज पिल्ले के रूम में गया था तो वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या शॉर्ट्स क्या टी शर्ट डालना है उनको और साक्स आयरन करके और हॉकी स्टिक को प्लास्टरिंग करके शूज पूरा अपने हेड सर तरफ सेट कर रहे थे तो मैंने सोचा टुमारो मॉर्निंग मीन्स टी तो एवरी डे

हीरा की knee surgery तो हमने नाइन ओक्लॉक ट्रेनिंग्स शुरू किया लेवन तर्ती को तो फिटनेस हो गया फिर he has to do rehab okay. तो there was a, uh, such a system he created hmm. after each exercise he okay. will tell look at me then I said it's good okay. then he we'll move on to the another <laughs> exercise Okay. तो एक uh, exercise में me perfection से हर एक हर एक्शन Okay. एक exercise के बाद में वो पूछे थे then I said okay I said toh, you didn't say good good तो फिर उन्होंने होटल में बॉय था तो उनको बोले सर के लिए चाय लेके आओ फिर चाय पीने के बाद में फिर वो दोबारा एक्सरसाइज किया फिर सेम तो सेड गुड फिर मैंने स्टार्टिंग टू एंड रॉन्ग बहुत ही अच्छी चीज जो मुझे लग रही है मतलब आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राउंड बट ऑल्सो उसको एनालॉजी विद द लाइफ लेसन्स आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल आर्ट दैट यू हैव एंड जैसे आपने बोला कि हाँ लाइफ के साथ भी वैसे करना है जिस एनर्जी या हम एंथजियाजम hmm. के साथ इनिशियली शुरू कोई भी टास्क शुरू करते हैं या लाइफ शुरू करते हैं वही एंड तक रहे तो ये जो आपका ये स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड है ये मतलब ओवर टाइम बना है या कैसे आपने इसको बरकरार रखा है स्पोर्ट्स जो बहुत ही फिजिकल ओरिएंटेड एक्टिविटी रहती है स्पोर्ट

भद्रकाली uh, टेम्पल था वहाँ hmm. पर हनुमान का स्टैचू होता है मतलब तालाब के अंदर okay. तो डेली जाके वहाँ नेचर कालोए करके फिर हाथ पैर धो के उनको आई यूज टू प्रे एंड कम सो आई होप नॉलेज विज लुक बैक नाउ ओके वहाँ से शुरू हुआ फिर हमारा पहला कैंप लगा था शिलारू बिकॉज इट्स रेड शिमला के ऊपर होता है सिक्सटी किलोमीटर्स सो वहाँ ट्रेनिंग के सिवा और कुछ नहीं रहता है

तो एक बार ऐसे ही में जा रहे थे तो ट्रेन में जाते थे पहले तो कैम्प में तो काजीपेट स्टेशन में जब ट्रेन रुकी तो मैंने देखा वो बंडी पे महाभारत बुक था तो चलो लेते हैं लेके गया फिर जब कैम्प में पढ़ना शुरू किया मीनिंग वॉज एंटली डिफरेंट तो फिर हाँ। I started underlining, फिर मैंने मतलब आपने में ले ले हाँ। हाँ। में जब था तो बदल तो गया था तो फिर बहुत बार उसको पढ़ा मैं then I started understanding, then उसके बाद रामायण हाँ। तो उसके बाद में भागवत बहुत टाइम होता था काफी बार एंड आई स्टार्टेड रीडिंग डिफरेंट राइटर्स ओके ए राइट महाभारत डिफरेंट क्रिटिक्स ऑफ द सेम तो फिर जी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस उसमें महाभारत से रामायण बिकॉज़ आई ऑलवेज फील महाभारत इज वन सच बुक जी सेम बुक गिव्स डिफरेंट मीनिंग्स एट डिफरेंट एज ग्रुप्स अगर महाभारत को आप बचपन में पढ़ेंगे इट लुक्स लाइक अ कॉमिक्स मतलब भीम लड्डू खाए फिर उनको समुंदर में फेंक दिए स्नेक्स ऐसा ही व्हेन यू रीड इट 35 40

अभी जैसे आप नेशनल कोच हैं एथलेटिक्स टीम के एंड आप नेशनल कैंप्स में भी और नेशनल टीम्स को डिफरेंट टूर्नामेंट्स में ले जाते हैं तो मेडिटेशन का स्पोर्ट्स पर्सनस में मतलब कितना अभी अवेयरनेस है एंड व्हेन यू फील अच्छा आपने तो बेनिफिट देखा है हाउ वेल डू यू थिंक द स्पोर्ट्स आर ऑल्सो यूजिंग इट बिकॉज

अपनी ट्रेनिंग के लिए इतने कंसिस्टेंट एंड सिंसियर होते हैं ये मेंटल ट्रेनिंग का अभी आपको क्या लगता है कि कितनी हम इसको ला पाए हैं अपने मे बी इंडियन एथलीट्स में या ओवरऑल एज अ स्पोर्ट्स पीपल के रूटीन में जो टॉप के एथलीट्स होते हैं ना 99% दे आर मोर स्पिरिचुअल वाओ हम इंडियन कैमेट देखेंगे ना हां जी हर बंदे के रूम में एक छोटा सा पूजा गदी होता है ओके okay. <laughs>

अभी हम लोग भी ना जब एशियन गेम्स हो जाते हैं ना hmm. तीन महीने पहले से hmm. बात कम करते हैं मतलब इनर साइड हाँ, okay. अगर किसी के साथ ज्यादा बात के कुछ नेगेटिव uh, हमारे हाँ, हाँ, मतलब hmm. आर्ग्यूमेंट हो गया तो इसलिए दूर रहो प्रेयर जितना hmm. मतलब बाहर के ज्यादा मोर इन आई स्टार्टेड बिलीविंग एंड गॉट ए सक्सेस ऐसे मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जब आप अच्छा सा मेडिटेशन करते हैं और सच्चे मन से करते हैं तो यू कैन ट्रिडिक्ट थिंग्स हो जाता है तो मैं तब समझा यार योगी है हम भी बन सकते हैं ओलंपिक्स में ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है सिडनी ओलम्पिक्स तो पहले ऐसे ही कर रहा था लॉट ऑफ मेडिटेशन अच्छा पहले से आप हाँ, कर रहे थे वहाँ पे अच्छा okay. फिर वही मैं बेड पे नहीं सोता था नीचे सोता था सो आई वाज डूइंग लॉट ऑफ तो फर्स्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रहे थे hmm. मुझे ऐसा इंट्यूशन है फर्स्ट थर्टी सेकेंड के अंदर धनराज पिल्ले मुकेश को पास दे रहे और मुकेश गोल मार रहे अच्छा okay. तो so, चलो भैया ऐसा क्लियरली दिख रहा था मुझे तो चलो शेयर ही कर लेते हैं तो वार्म अप हो गया मुकेश जी को मैं बताया बी अलर्ट

टू डू यू आर अलोन गोइंग टू विद स्टैंड दिस इज मॉट मेंट सो सेम हुआ उधर भी <laughs> <laughs> फिर एक बार ऐसा हुआ गीता माधवी था mm. तो लॉन्ग जम्प कर रही थी फाइव फाइव थर्टी सेवन ऐसा कर रहा था mm. मैं बोला ओपन वो, वो एक कॉम्पिटिशन में हार गया तो शी वॉज वेरी अपसेट मैंने वो शी अफ्रेड दैट

एंड आई वेरी ऑफ कोई प्रोग्राम वहाँ मई जाता था उनके साथ एंड ई ट्राई लॉट टू टेक मी टूट माउंट आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट बिकॉज आई वॉज इनल देन हमने गच्चू बोली शिफ्ट हुआ Achha. तो लकीली मैं भी देखो डेस्टिनी <laughs> जस्ट मैं में मैं <laughs> तो रेगुलर रेगुलर <laughs> ना तो विजिटेड हो गया जी. फिर 2018 गेम्स के जब hmm. okay. hmm. तो तो तीन महीने लगातार शाम को ट्रेनिंग करना आके स्नान करना सीधा ब्रह्म कुमारी थ्री मंथ

वॉट इज अ डिफरेंसवीन टेम्पल एंड अदर थिंग टेम्पल यहाँ पे लॉट ऑफ पॉजिटिव तो यहाँ कभी भी दीदी रहते हैं तो उनके साथ अगर उनका आशीर्वाद भी लेते हैं ना लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशन वी कैन कैरी

they bomb for it, mm. right? They have got so much of calculations. True. Uh, mm. Sorry, they, they have a lot of uh, qualifications. Qualifications. If they mm. want, they may have walk into the <laughs> so many other professions. Mm. For the chosen profession, leaving mm. everything mm. and you're focusing and been watching them for decades together. Mm. Same intensity, mm. right? So really, they inspire me a lot, mm. and that's why whatever they ask, I say never. I can mm. say no.

अभी मुझे इनको देखने से पता चल गया इनका एक ही पर्पस है स्प्रेड द पीस स्पिरिचुअलिटी सो नथिंग डिस्टर्ब देम नथिंग डिविएट्स देम तो मैंने सोचा व्हाई व्हाई यू सो यू हैव बीन गिवन दिस टैलेंट कोचिंग सो थ्रू कोचिंग ओके मैंने फिर व्हाई डोंट यू मेक द लाइफ थ्रू द स्पोर्ट लिटल बिग वन फिर मैंने अपना स्लोगन बना लिया जैसे मदर तेरिसा जी है विवेकानंद hmm. जी दा दाजी है जी सो सब लोग क्या है पब्लिक सेवा करके ये कर रहे हैं कोई अध्यात्म मिसो मैंने सोचा सर्विंग द सोसाइटी थ्रू द स्पोर्ट्स वाओ सो दैट्स व्हाट यू आर सीइंग सो मेनी किड्स आर गेटिंग सेटल्ड इन द लाइफ एंड जस्ट बिफोर दिस कन्वर्सेशन मैं सुन रही थी जैसे आप बात कर रहे थे अब हैविंग दैट विजन इवन फॉर ओलंपिक्स व्हिच आर लाइक 10 और मे बी फर्दर इयर्स अवे एंड यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग द ग्राउंड लेवल वर्क फॉर इट मतलब वो जो विजन आप में डेवलप हो गई है है ना फॉर इंडियन स्पोर्ट्स और जैसे आप कह रहे हैं थ्रू स्पोर्ट्स सर्विंग द सोसाइटी तो ऑन दिस नोट मतलब इफ़ यू वुड लाइक टू गिव अ मैसेज टू अर व्यूअर्स टू द एथलीट्स और इन जनरल सो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बिकॉज एनी प्रोफेशन राइट सो फर्स्ट ऑफ आल टी फाइंड आउट वॉट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बिकॉज आई एम वेरी लक्की हम लोग क्या बोलते हैं हर बच्चा परमात्मा का अंश है राइट सो right? so, मेरा ये कि कई बच्चे गरीब पैदा हो सकते कई बच्चे अमीर पैदा लेकिन कोई खराब नहीं पैदा होता तो हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है तो उस टैलेंट को पहचान के उस लाइन में अगर हम उनको प्रोत्साहन देना, कोई भी बच्चा फेल्यूर नहीं रहेगा तो सोसाइटी में भी कोई गलत हो ही नहीं सकता हम लोग निगलेक्ट करते हैंगलेक्ट करते हैं बाद में जब एंटी सोशल बनते हैं उसके ऊपर ज्यादा पैसा और एफर्ट लगाते हैं hmm. तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग मतलब वो गलत चले जाते फिर करेक्शन में लगाते हैं पहले मुश्किल हो जाता hmm. है छोटा जब में करेक्शन इजी है hmm. जब बड़ा हो जाता है ना एवरी प्रोफेशन यू कैन डू फर्स्ट यू फाइंड आउट व्हाट टैलेंट यू हैव फॉर व्हाट पर्पस यू आर हियर राइट सो जस्ट गो ऑन टू दैट पर्पस यू कैन राइट थिंक लीव ड्रीम कीप साइड सो दैट इज़ अ सीक्रेट ऑफ सक्सेस सिंपल बिकॉज अब मैं ये फील्ड में हूँ hmm. मुझे दूसरा फील्ड आता नहीं <laughs> कभी मेरे को एक बंदा ने पूछा था आपने ऑलमोस्ट

भगवान का जो टीम बनाना बिकॉज आई वॉज फिफ्टीन ईयर्स अवे फ्रॉम माई फैमिली इट इज माई वाइफ विद्यूलता भविष्य तो भगवान को भी पता रहता है आपको ऐसा टीम बना के भेजता है यहाँ पर तो तो बनाते हैं. हम नहीं करते

कंट्रीज घुमाऊं तो मेरे वाइफ दिला बोला यार चलो वीकेंड में कहीं बाहर जाते हैं तो वो बोलती है बाहर जाके इतना टाइम इतना पैसा क्यों में है आप घर में लाओ ना मैं यहीं बना देती हूँ सो इट इज ए टीम राइट मई इन लॉज भी तो मतलब मेरा कहने का मतलब योर टीम राइट हम ये समझते है, ये है, नहीं कुछ नहीं है अब टीम बना था, टीम अगर ये कहीं भी 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 मिस होता hmm. है हर आदमी का है, जी जी. दुती का भी एक है है right. एक हम से hmm. जब सेलिब्रिटी बन गया hmm. तो वहां से एक जापान से एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए थे जापान से सो इज वर्ल्ड फेमस में जेंडर इक्वालिटी के लिए पूरे hmm. तो वो एक

इट विल ऑल्सो इंस्पायर आर व्यूअर्स सो दर्शकों आपको कैसे लगी ये जर्नी जो हमने रमेश सर के साथ उनकी लाइफ की जर्नी उनके करियर से कुछ इंसिडेंसेस के साथ ब्यूटिफुल लेसन्स हम लेके जा रहे हैं इट विल इंस्पायर अस एंड टू बी दैट कमिटेड एंड सिंसेयर इन आर फील्ड इज़ वेर सो थैंक यू रमेश सर फॉर जॉइनिंग अस विद दिसम शांति थैंक यू सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन ऐसे ही और इंटरेस्टिंग जर्नीज के जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगले एपिसोड में एक और विशेष हस्ती के साथ हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं ओम शांति